राम राम मेरे दोस्तों। आज दादरी में भाई बीजेपी सम्मेलन है, तो उसमें गांव रानीला से गाड़ियों का जनसमूह जान लाग रहा है। और फिलहाल सावड़ रानीला रोड पर सारी गाड़ी इकट्ठी हो रही हैं, एक साथ चल लेंगे। और भाई हमारा धनु मिस्त्री देख ले, दिखता भी कोई ना। ले भाई खिड़की भी इतना बड्डी है। और भाई गाड़िया की खूब लाइन लाग रही है। और भाई भारत माता के नारे लगान लाग रहे हैं। और भाई रैली में जान खातर सारे तैयार हो रहे हैं। ये भाई मदी और कृष्ण बनिया अपनी गाड़ी ले रहे हैं। और कुछ भाई आड़ खड़े हैं, डिपट्टी खड़ी है। और भाई एक बस तैयार खड़ी है। और अपने दीपक भाई और मुंशी साहब खड़े हैं और मन साहब खड़े हैं। और भाई संजू सेठ है, सारे तैयार बैठे बस गलत नहीं रहे बोलो भाई, सारे बैठे हैं भाई। भाई अब बस फुल कर गई है। भाई साहब खड़े हैं। और भाई आज रानीला गांव से जाने लग रहे हैं। और तो भाई शायद भी पूरे जन से रानीला गांव से फूल भाई संतरण खड़े हैं। ताऊ ताई सब के प्रजापति समाज भाई आप पूरा बस में भारत माता की जय, भारत माता के नारे भाई। चलो जी ये भाई दादी रवाना भाई पूरे गाड़ी हनुमान सिंह भाई सारे आदमी बैठे भाई भाई साहब के यो भाई देख कुमार वाली गाड़ी में अपने पता है भाई यो बालक। हां अपनी गाड़ी में है भाई अपने कण पे ये भी दिखा ली लुके आदमी सरपंच के आ जाए पेट से ये वाले लिल्लू के आदमी देख ले भाई ये लिल्लू पर हां ये रे पर आने भाई ये पर आने ये बात जो रानी लगे छोरी तू सब फेर वालों ने ये बात रैली में जान लाग रहे हैं। राम राम भाई साहब सारे ने इन टाइम वो फटका दे फटके दियो एंकल ज्यादा एक मीटर ये ले भाई बड़का के पीछे के ले पीछे ना चलने वाली दे दे ये भाई गाड़ी सारे प्यार ये भाई बैठे हैं भाई रैली में जाने खातर। चलो भाई चलो रैली में जा है आईटीएम तो नहीं जा है हमारे भाई बूथ अध्यक्ष भाई आखिरी हमारी गाड़ी भाई हमारे बूथ अध्यक्ष राजन जी और हमारे पार्षद नीटू जी और भाई राजेश जी हमारे पन्ना प्रमुख है और भाई सोनू पत्रकार है जी हमारा और हम शक्ति केंद्र प्रमुख साए। तो सेठ आज कड़े जान की तैयारी भैया जी आज भाजपा का पन्ना प्रमुख सम्मेलन है। अच्छा और हमारा हरेक पन्ना चौकन्ना है। हम अपने आपको 2024 की तैयारी के लिए हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी, जिला अध्यक्ष सतेंद्र परमार जी, सुखेंद्र मांडी जी के नेतृत्व में आज मतलब पूरा जिला पूरी विधानसभा आज है। एक एक पन्ना प्रमुख हमारा आज पहुंचेगा और जितना हुड्डा वगैरह रैली करते हैं उससे ज्यादा तो संख्या हमारी पन्ना प्रमुख में जाएगी। अच्छा आप देख लेना ऐतिहासिक पन्ना प्रमुख होगा, सभी विधानसभाओं में सबसे ज्यादा संख्या इस विधान यहाँ से जाएगी। चलो तो भाई आज फिलहाल दादरी पन्ना सम्मेलन है और उसमें भाई मन ने भी जाने का मौका मिला। तो भाई हम भी चल रहे हैं आज पहली बार किसी रैली में जावा हाँ और वे साथ में पार्षद और वे सेठ लाला जी बैठे हैं और ब्लॉक समिति के पार्षद नीटू जी नीटू जी और राजेश जी हमारे पन्ना प्रमुख हैं।
ले भाई हम भी दादरी जान लाग रहे हैं, तो ये इससे गाड़ी में हम चल रहा हाँ। कौन सी गाड़ी मिला है? इससे में चलूँगा हाँ। तो बाय बाय भाई मिला फिर आपने। अरे तैयार है राम राम भाई, राम राम भाई, राम राम भाई। हमारे पत्रकार है। और भाई ठीक ठाक है भाई पत्रकार। पत्रकार है बढ़िया भाई कती। और भाई क्या हाल चाल है? और भाई बढ़िया भाई ठीक ठाक है? ठीक ठाक से कती आगे हाजरी रैली में भाई। भाई रैली भाई पूरे तो भी सुविधा है सोनू पत्रकार दिखाने लग रहा है। गांव रानीला की रैली पधार चुकी है। और भाई साहब जो नजारा बना हुआ है बहुत ही गजब नजारा बना हुआ है। भीड़ बहुत ही जोर शोर से भीड़ आने लग रही है और बीजेपी की रैली का दबादब समर्थन हो रहा है भाई साहब। ये देखिए आप उधर भी देख सकते हैं, इधर भी देख सकते हैं, चारों तरफ भीड़ का आवागमन हो रहा है। देखिए आप ठीक भाई धन्यवाद भाई जय राम जी भाई बढ़िया भाई राम राम भाई। संजू सेठ फोन में ध्यान कम दे आकर कैसे कह दिया जुमला भीतर से दाब इतनी थी टटा नहीं गया लकड़ की। 370 किसने लगाई थी? कांग्रेस। कौन सी पार्टी का राज 370 टूट नहीं सकती? याद रखना इनको, भगवान राम को टेंट में कौन सी पार्टी ने बैठा के रखा? सत्यवान जोर से बोल, कौन सी पार्टी ने बैठा के रखा? कौन सी पार्टी ने भगवान को बाबरी मस्जिद में बैठा के रखा? कौन सी पार्टी ने 21 वकील राम मंदिर के खिलाफ खड़े किए थे? इनके पापा को भूल मत जाना, लेकिन उसी धारा 370 को हमने टूटते हुए देखा और ऐसे टूटा जैसे दादरी मंडी आड़ी रामलीला में सीता का धनुष टूट गया। हमने बदलाव देखा कि किस प्रकार से अब एक इंच भी भूमि हमारी कोई ले नहीं सकता। हमारे सैनिक खदेड़ कर आते हैं, एक एक इंच का रखवाली करने वाली आज हमारी सेना बड़ी सजगता के साथ खड़ी हुई है। और राम मंदिर का शिलान्यास तो हुआ, अब 24 में इन्हीं आंखों से इसी शरीर से उसका उद्घाटन होते हुए देखेंगे, मंदिर प्रवेश करते हुए। ये अपना भारत हमने हो तो ताली मारते हो आवाज मजा लवाई होगी चंडीगढ़ लवाई हो गया जयपुर। अरे राहुल साहब आना तो और तगड़ी ताली मारनी चाहिए। मामा में जान का टाइम कितना कम हो गया बताओ मिश्री यारो है? कितना टाइम कम हो गया? झटने से मामा पूछे गलत तो नहीं कर रहा मेरे ने पापा ठीक करो। हर घर में नल से जल, ये तो कितनी कितनी दूर से दो गढ़ लेकर आया करती। गाना ले आना पड़े जब अच्छा नहीं लगे बेशक चुकाने जितनी टोकनी बिकनी बंद होगी हो, लेकिन भाई घर घर से नल से जल ये बदलते हुए हमने देखा। अपा गोर से पाते खांसरे इकट्ठे करते, चांदी की लाकड़ी लाते, फूकड़ी मार मार के झड़के झड़के दिनों में आग जलानी मुश्किल हो जाती थी। आजकल दादरी में फूकड़ी मिलाए फूकड़ी मिलनी बंद होगी होगी। अब तो मोदी जी ने गैस का रेट भी ठीक कर दिया। ये बदलाव भारत हमने अपनी आंखों के सामने देखा है। भारत दुनिया की फार्मेसी बनाई जी का कार्ड है, मनोहर लाल का कार्ड है। अस्पताल में भर्ती हो जाए गरीब आदमी को पैसे की चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक तो अस्पताल आदमियों के हैं महाराजा 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 वे कहते हैं कि जाएगा मेरे आयुष्मान में से फायदा हो जाएगा। अस्पताल चाहते हैं पेशेंट मेरे पास रहे। आया भाई राजनीतिया कह रहा था जिला बना दिया, वो का खैर को बना दिया मांग तो बड़ी पुरानी। मौका आया तो सबसे पहले 140 करोड़ रुपया इस इलाके के पानी के लिए पंप हाउस। मौका आया तो बाजरे को हमें सिर पर खदवाने का काम। डॉक्टर वहां उतर आया था, लोगों ने बोले गौर गिरदावरी कर दो गौर है ये। हमने 1100 करोड़ रुपए से बात तो हर साल का बिजली के जलाने का काम ये फसल बीमा योजना भी मोदी जी के घर पे पहुंचा के। और मैं याद करना चाहता हूँ अरुण जेटली जी को, उन्होंने मुझे बुलाया
जो अपना प्रकाश हमें बना के दी है इसको हम पूरे देश में लागू करेंगे। जो भी अच्छी चीज है मैं धन्यवाद भी हूँ मोदी जी का, पंचायत मंत्री के नाम पे हमने कहा हर घर में शौचालय था, एक पैड़े माँ के चढ़ के एक कार्यालय बना रखा था, जहाँ मीटिंग करते रहते थे आज दादरी भाजपा का नया कार्यालय, उसका भी तीसरी बार मोदी सरकार बोलो, फिर तीसरी बार इधर से बोलो कांग्रेस से नीचे ताई आवाज आने चाहिए, फिर तीसरी बार ये जो बदलाव भारत इस रास्ते पे बढ़ चला है, इस रास्ते को ऐसे बढ़ाए जाना है। अब एक पन्ना प्रमुख का गाना है, अपना गाना है सबका, मैं भी पन्ना प्रमुख आप भी पन्ना प्रमुख, खड़े हो जाओ सारे गाने पर जोर ला दो। तो दोस्तों आज चरखी दादरी जिला में पन्ना प्रमुख सम्मेलन हुआ, तो उसमें हरियाणा के जो मंत्री हैं ओम प्रकाश धनखड़ जी आए हुए थे, उनको सभी ने भेंट में, किसी ने पगड़ी, किसी ने गदा, किसी ने तलवार, और एक किसान ने तो सबसे बढ़िया अनमोल तोहफा दिया है अपने खेत की बाजरे की सिरटी, जो किसान का सबसे बड़ा धन हुआ है, और भाई बाकिया ने पगड़ी भी पहराई है। गदा और तलवार देने का मतलब तो भाई मैदान में युद्ध लड़ने के लिए, और किसान ने अपने खेत की बाजरी सिरटी दी है। और आज के इस प्रोग्राम को भाई आड़े समाप्त करा, हाँ हम भी जा रहे थे भाई, तो आप तक लोगों तक ये वीडियो मैंने पहुँचा दी है, आपने कैसी लगी, और भाई लाइक शेयर और सब्सक्राइब करियो।